नमस्कार दोस्तों, वरस ड्रीम चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे पैटर्न। छोटे बच्चों के लिए पैटर्न्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ABCD नंबर्स निकालने के लिए ये बहुत उपयुक्त है। हर रोज़ बच्चा एक घंटा भी इस पैटर्न का प्रैक्टिस कर ले तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, एक लाइन पैटर्न और दूसरा कर्व पैटर्न। लाइन पैटर्न में फिर अलग अलग के प्रकार के पैटर्न्स हैं। उसमें फर्स्ट है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे तक खींची जाती है, अप टू डाउन। सेकंड है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन लेफ्ट से राइट तक खींची जाती है, आप देख सकते हैं एरो कैसे मार्क किया है। थर्ड है स्लाइंटिंग लाइन। स्लाइंटिंग लाइन दो प्रकार की होती है, फर्स्ट राइट स्लाइंटिंग लाइन, राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन। लेफ्ट स्लाइंटिंग लाइन, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम सीखेंगे कर्व। फर्स्ट है लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व आप देख सकते हैं ऐसे निकाला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड है राइट कर्व। आप देख सकते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाला जाता है। थर्ड है अप कर्व। अप कर्व ऐसे निकाला जाता है आप आरो का डायरेक्शन देख सकते हैं। फोर्थ है डाउन कर्व। डाउन कर्व ऐसे निकाला जाता है, एरो डायरेक्शन देखिए। और फिफ्थ है सर्कल। आप देख लीजिए सर्कल कैसे निकाला जाता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। अब हम सीखेंगे स्टैंडिंग लाइन। बच्चों का प्रैक्टिस करवाना है तो ऐसे चार डॉट दे दीजिए, उसको अप टू डाउन जोड़ने के लिए बोल दीजिए। देखिए 1 2 3 4 डॉट्स देना है, अप टू डाउन उसको जोड़ने के लिए बोलना है। 1 2 3 डॉट्स देना है, उसको अप टू डाउन जोड़ने के लिए बोलना है। ऐसे आप हर रोज़ एक घंटा उसका प्रैक्टिस लेंगे तो वो ज़रूर अच्छे से निकालना शुरू कर देगा। फिर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में उसको दो ही डॉट देना है। दो डॉट देके उसको ट्रेसिंग करने के लिए बोलना है, दोनों अप टू डाउन ट्रेसिंग करने के लिए। दो डॉट्स दे दो, अप टू डाउन ट्रेस कर लो। दो डॉट दे दो, अप टू डाउन ट्रेस कर लो। दो डॉट दे दो, अप टू डाउन ट्रेस कर लो। बाद में उसको डायरेक्ट निकालने के लिए बोलना है आप।
ऐसे अप टू डाउन डायरेक्ट निकालना चालू कर देगा बच्चा और उसको इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब हम सीखेंगे स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन का प्रैक्टिस करने के लिए आप लेफ्ट टू राइट लाइन मारना है और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए चार डॉट दे दीजिए 1 2 3 4 और उसको बोलिए लेफ्ट टू राइट जोड़ता जाएगा, डॉट दे दीजिए लेफ्ट टू राइट ट्रेस करता रहेगा लाइन, डॉट दीजिए लेफ्ट टू लाइन राइट स्ट्रेट कर ट्रेस करता रहेगा। फिर सेकंड स्टेप में आप कर क्या करिए उसको 1 2 दो डॉट दे दीजिए ट्रेस करने के लिए, 1 2 डॉट दे दीजिए ट्रेस करने के लिए बोलिए। बच्चा बहुत एंजॉय करते हुए निकालेगा इसको, उसका प्रैक्टिस भी होगा हैंड और उसका पैटर्न में बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा इसमें। अब हम सीखेंगे स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइन दो प्रकार की होती है, फर्स्ट है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, उसको लेफ्ट टू राइट निकालना है अप टू डाउन। फिर बच्चों के प्रैक्टिस के लिए आप उसको चार डॉट्स दे दीजिए लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन निकालने के लिए बोलिए, चार डॉट्स दे दीजिए लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन निकालता रहेगा ट्रेस करता रहेगा लाइन, अच्छे से प्रैक्टिस करता रहेगा। हर रोज उसका डेली एक घंटा तो प्रैक्टिस ले लीजिए, अच्छे से उसको ज्वाइन करना आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में आप उसको दो ही डॉट दे दीजिए लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन जोड़ता जाएगा, दो डॉट दे दीजिए अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट जोड़ता जाएगा, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गया। इसे थर्ड स्टेप में उसको डायरेक्ट बोलिए निकालेगा, डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन स्लैंटिंग लाइन खींचता जाएगा। अब सेकंड राइट स्लैंटिंग लाइन, इसमें आपको राइट से लेफ्ट तक अप टू डाउन स्लैंटिंग लाइन खींचना है। बच्चों को प्रैक्टिस के लिए चार डॉट दे दीजिए राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन निकलता जाएगा, लाइन को ट्रेस करता रहेगा। सेकंड स्टेप में उसको आप दो ही डॉट दे दीजिए और उसको ट्रेस करने के लिए बोलिए 1 2 डॉट राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन, ये हो गया राइट एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। अब हम सीखेंगे जिगजैग। जिगजैग शेप देखिए ऐसे निकाला जाएगा, डॉट दे दीजिए जोड़ता जाएगा, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए उसको डॉट दे दीजिए जिगजैग शेप में जोड़ता जाएगा और ऐसे शेप देख के वो बहुत एंजॉय करके निकाला। डॉट दे दीजिए उसको ट्रेस करने के लिए बोलिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी उसकी। अब हम सीखेंगे करो करो में फर्स्ट आता है लेफ्ट कर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्व निकालना है, एरो मार्क देखिए। बच्चों के प्रैक्टिस के लिए आप सी टाइप में डॉट दे दीजिए कर्व में,
डॉट दे दीजिए। पहले प्रैक्टिस आप पेंसिल एंड क्रेयन से करिए, क्रेयन से उसके हाथ की पकड़ मजबूत हो जाएगी। सेकंड आता है राइट कर्व, राइट कर्व आप देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना है। और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए आप डॉट दे दीजिए और उसको ट्रेस करने के लिए बोलिए, डॉट दे दीजिए उसको ट्रेस करने के लिए बोलिए। थर्ड है अप कर्व, अप कर्व को ऐसे निकाला जाता है लेफ्ट टू राइट कर्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बच्चों को प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे डॉट दे दीजिए और उसको ट्रेस करने के लिए बोलिए। हर रोज मिनिमम एक घंटा प्रैक्टिस ले लीजिए, बच्चा अच्छे से सीख लेगा पूरे पैटर्न्स को ट्रेस करने का और अपने आप उसका हैंड राइटिंग अच्छे से हो जाएगा। फोर्थ है डाउन कर्व, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट एरो के डायरेक्शन में निकालना है। बच्चों को प्रैक्टिस के लिए डॉट 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 दे दीजिए और उसको सेम पैटर्न ट्रेस करने के लिए बोलिए। फिफ्थ आता है सर्कल, सर्कल ऐसे निकाला जाता है। बच्चों को प्रैक्टिस के लिए आप सर्कल शेप में डॉट दे दीजिए और उसको ट्रेस करने के लिए बोल दीजिए। इसमें बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतने अच्छे से उसका हैंडराइटिंग सुधर जाएगा। अब हम लाइन एंड कर्व पैटर्न को एक एक कैसे निकालना है देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे स्टैंडिंग लाइन और उसको बच्चों को घर में कैसे प्रैक्टिस करवाना है सिखाते हैं। पहले आप उसको चार डॉट दे दीजिए, ऐसे बना के दे दीजिए। आप ऐसे बुक में भी बना सकते हैं, नोटबुक में, या वर्कशीट्स आता है वो वर्कशीट्स लेके वर्कशीट्स में भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो पहले फर्स्ट शेप में बच्चों को चार डॉट्स देना है और ट्रेस करने के लिए बोलना है। अप टू डाउन, फोर डॉट्स अप टू डाउन, फिर टू डॉट्स देंगे अप टू डाउन, उसको ट्रेस करने के लिए बोलना है। थर्ड स्टेप में वो खुद का खुद स्ट्रेट लाइन अप टू डाउन निकालेगा। अब सेकंड होगा स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन देखते हैं कैसे उसको प्रैक्टिस करवाना है बच्चों को। उसके लिए आप बच्चों को चार डॉट्स पहले दे दीजिए, चार डॉट्स को ट्रेस करने के लिए बोलिए। हर रोज़ मिनिमम एक घंटा तो आपको बच्चों से प्रैक्टिस लेना है तो वो अच्छे से कर पाएगा सब। फिर सेकंड स्टेप में दो डॉट दे दीजिए, दो डॉट ट्रेस करने के लिए बोलिए उसको, ट्रेस करता रहेगा। देखिए इसको लेफ्ट टू राइट ट्रेस करना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ट्रेस करिए, लेफ्ट टू राइट, दो डॉट में भी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ट्रेस करता रहेगा बच्चा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा अच्छे से ट्रेस कर पाएगा। अब थर्ड है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, इसमें भी चार डॉट्स दे दीजिए प्रैक्टिस के लिए
स्लैंटिंग चार डॉट्स, लेफ्ट टू राइट सेकंड स्टेप में दो डॉट्स दे दीजिए और उसको लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन ट्रेस करने के लिए बोलिए, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, दो डॉट्स में भी ऐसे ही करना है। और फिर उसको बोलिए खुद से निकालना सीखेगा वो लाइंस। फोर्थ है राइट स्लैंटिंग लाइन, उसमें भी फोर डॉट्स दे दीजिए, राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन। सेकंड स्टेप में आपको राइट टू लेफ्ट दो ही डॉट देना है अप टू डाउन और बच्चों को ट्रेस करने के लिए बोलना है, राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट अप टू डाउन। अब नेक्स्ट सीखेंगे लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व हाफ सर्कल निकालना है डॉट डॉट्स देके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डॉट्स दे दीजिए, बाद में उसको दो ही डॉट्स दे दीजिए और हाफ सर्कल निकालने के लिए बोलना है उसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप टू डाउन। अब दो डॉट्स भी उसको सिखाना है जोड़ने के लिए, ट्रेस करो बोलेगा तो वो धीरे 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 जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे उसको आता जाएगा। अब सीखेंगे राइट कर्व। राइट कर्व के लिए भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप डॉट्स दे दीजिए और बच्चों को ट्रेस करने के लिए बोल दीजिए, बाद में दो ही डॉट्स दे दीजिए और उसको दो डॉट्स में ही दो डॉट्स ट्रेस करने के लिए बोलिए, को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप टू डाउन ट्रेस करवाना है, दो डॉट्स में भी वैसे ही करना है। अब इसके बाद करेंगे अप कर्व। लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बाद में बच्चों को आप दो डॉट ही दे दीजिए और उसमें लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन कर्व निकालने के लिए बोलना है, लेफ्ट टू राइट कर्व, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज कर्व, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज कर्व। इसमें भी सेम ही करना है उसको, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज कर्व निकालना है। अब निकालेंगे डाउन कर्व। डाउन कर्व में लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डॉट्स दे दीजिए, उसके बाद उसको दो ही डॉट्स देना है और ट्रेस करने के लिए बोलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट। सेम दो डॉट्स के लिए भी वैसे ही करवाना है ट्रेस उससे। अब निकालेंगे सर्कल। सर्कल में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डॉट्स देना है और उसको ट्रेस करने के लिए बोलना है। दोस्तों आज के लेसन में हमने सीखा है पैटर्न्स में
स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व एंड सर्कल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।